कॉमनवेल्थ गेम 2022 के शुरू होने में महज कुछ दिन ही बाकी हैं। इससे पहले भारतीय दल को बड़ा झटका लगा है। गेम्स के शुरू होने से कुछ समय पहले ही भारतीय एथलेटिक्स स्क्वाड पर डोपिंग का साया मंडराने लगा है। भारतीय दल में शामिल एथलेटिक्स स्क्वाड के 2 खिलाड़ी डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। डोप टेस्ट में फेल हुए एथलीट्स में महिला स्प्रिंटर एस धनलक्ष्मी और ट्रिपल जंप में नेशनल रिकॉर्ड होल्डर ऐश्वर्या बाबू का नाम शामिल है। दोनों ही खिलाड़ी प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के दोषी पाई गई हैं। धनलक्ष्मी 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 36 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स स्क्वाड का हिस्सा थी। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले धनलक्ष्मी समेत कई सारे एथलीट्स का डोपिंग टेस्ट कराया था। उन्हें टेस्ट में प्रतिबंधित स्टेरॉइड के सेवन का दोषी पाया गया। वहीं चेन्नई में आयोजित इंटर स्टेट मीट के ट्रिपल जंप इवेंट में रिकॉर्ड बनाने वाली एथलीट ऐश्वर्या बाबू का टेस्ट नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के टेस्ट में पॉजिटिव आया है। डोप टेस्ट के जरिए एथलीट्स के शरीर की जांच होती है। इसके जरिए पता लगाया जाता है कि एथलीट ने अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए किसी प्रतिबंधित ड्रग्स का इस्तेमाल तो नहीं किया है। डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर एथलीट को बैन कर दिया जाता है। ऐश्वर्या ने चेन्नई में आयोजित नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान ट्रिपल जंप में नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने ब्यूक जॉनी द्वारा बनाए गए एक दशक पुराने ट्रिपल जंप रिकॉर्ड को 14.14 मीटर की छलांग के साथ तोड़ा था। 28 जुलाई से शुरू हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐश्वर्या से ट्रिपल जंप और लॉन्ग जंप दोनों में मेडल की उम्मीदें थी। वहीं धनलक्ष्मी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 100 मीटर और 4x200 मीटर के इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली थी। हाल ही में वो वीजा से जुड़ी दिक्कतों के चलते वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत नहीं कर सकी थी। पिछले साल हुए टोक्यो ओलंपिक्स के बाद से भारतीय दल में डोपिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारतीय एथलेटिक्स टीम के कई बड़े खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में फेल हुए हैं, जिसमें टोक्यो ओलंपिक में छठे स्थान पर रही डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर और जैवलिन थ्रोअर शिवपाल यादव का नाम भी शामिल है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें भारत डोपिंग के मामलों में तीसरे स्थान पर है। अलग अलग खेलों में भारतीय दल से कुल 152 डोपिंग के मामले सामने आए हैं। इस लिस्ट में रूस 167 और इटली 157 मामलों के साथ पहले और दूसरे नंबर पर है। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत इंग्लैंड के बर्मिंगम में 28 जुलाई से होगी। इसका आयोजन 8 अगस्त तक किया जाएगा। खेल के इस बड़े आयोजन में 215 खिलाड़ियों का भारतीय दल हिस्सा लेगा, जिसमें 108 पुरुष और 107 महिलाएं शामिल हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में अच्छे प्रदर्शन के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारतीय दल से काफी उम्मीदें हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है रविराज ने, इस वीडियो को शूट किया है मोहन ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।